Alright guys, welcome to the 15th episode of Man Will Be Man. हम आज सब जगह चलेंगे, मेट्रो से लेके, कोर्ट से लेके और हर जगह रोड पे हो रही लड़ाई पर. ये एक डेडिकेटेड सीरीज है फॉर मैन. तो क्या सोच रहे हो? दबा के लाकर से ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. So guys, so much we have today. Let's get started. Okay guys, again metro talk. नहीं, सारी चीजों पे बात करेंगे, पर ये मेट्रो में लफड़े करना बंद करें यार लोग. वैसे इतना ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है कंट्री में, कभी झगड़ा हो रहा है. This is India's moment. ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं, चप्पल वप्पल लेके आ जाती है महिलाएं. Yeah, remember last time I showed you that she was spraying everyone. मजा आया. फिर ये एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ, हर जगह बात होने लगी. मतलब क्या समझ क्या रखा है तुमने मेट्रो को? मेट्रो वुड बी लाइक बंद करो हाथ जोड़ के मैं. एंड आफ्टर दिस दैट वाज हर एक्सप्लेनेशन. हु द हेल आर यू टू कमेंट ऑन माय क्लोथ्स? हां, हु आर यू? मुझे जिन्ना नहीं छोड़ेंगे. शी वाज टेलिंग दिस, व्हाटएवर आई एम 1000 टाइम्स बेटर देन. इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स हर चॉइस. Hold on for a moment. She was roaming like this. समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है. People should not have any problem. What she is saying is completely okay. Who the hell are you to comment on my clothes? Huh? Who are you? इन भाई साहब को क्यों पकड़ लिया था? बहुत पुरानी बात है पर सवाल उठा. Where a JDU MLA, Mr. Gopal Mandal was seen inside the coach in his undergarments. लोगों ने बहुत मीम बनाया कि वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर दिस इज एक्चुअली अ क्राइम. इनको तो इन्होंने कहा था मेरी तबीयत खराब है इसलिए से घूम रहा था. क्या यही गुनाह है मेरा? मोदी जी, ये तो किसी तरह की इक्वालिटी नहीं है. बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी. बट लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली गाइस, बी केयरफुल. इंस्टाग्राम भी ज्यादा होता है, इन्फ्लुएंसर को देखा और फिर लोग डीएम वीएम करने चले जाते हैं, बहुत सारे लौंडे लबाड़े पहुंच जाते हैं. मत क्या करो, क्योंकि हुआ ये. Meet her. She was also an influencer. She used to target people. और वो ऐसे लोगों को फंसा देती थी, मतलब BMW में घूम रही थी. She used to trap those wealthy people. जब लड़के उस पर सवाल करते कि ये आप मतलब ये किस तरीके की चीजें आप मुझे भेज रही हो, चैट चालू की, फंस गए और फिर वो ब्लैकमेल करती थी. तो सीधे ही उनसे पैसे ऐंठने पर उतारू हो जाती. ये उन्हें धमकी देती, उन्हें ब्लैकमेल करती और उनसे पैसे मांगती. तो थोड़ा ध्यान रखो तुम भी. चल भाई. और जब कोई मना कर देता तो उसे एक गैंगस्टर के जरिए धमकी भी दिलवाती. ये कहती कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी. और किसी को डीएम मत किया करो, देश संकट में है. And there's no marriage, no child thing is actually trending. People are thinking that way and that is dangerous. क्योंकि लोग सच में डर गए कि यार पहले शादी करो, फिर लोग फंस जाते हैं. इसलिए लोगों ने कहा अब शादी करनी नहीं है, सब भाई की तरह घूम रहे हैं. भाई, 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 भाई। और भाई खुद बुलेट प्रूफ में घूम रहे हैं. सलमान खान इज बॉट अ हाई एंड बुलेट प्रूफ SUV. And that was from Bombay High Court. Marriage is made in hell, not heaven. Remarks Bombay High Court judge hearing domestic violence case. That was from the Kerala High Court. Nowadays, younger generation think that marriage is an evil that could be avoided to enjoy free life without any liabilities or obligations. They would expand the word wife as worry invited for every, subtitling the old concept of wise investment forever. Kerala High Court. Yeah, no marriage, no child. No, it's so depressing. Pressing. मैं फिर से बताता हूँ, लव इज अ ब्यूटिफुल थिंग, मैरिज इज ऑल्सो वंडरफुल. द प्रॉब्लम इज दोज पीपल हु आर मिस यूजिंग द लॉज. दैट वाज द हैशटैग ट्रेंडिंग दिस वीक एंड दिस सॉन्ग ऑफ किशोर दा. यार तुम शादी मत करना. एंड दिस इज एक्चुअली अ बिजार रिपोर्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट. That Indian man is having the second smallest penis in the world. And trust me, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना. Yeah, because these people did the research and they got to know that was not right. और ऐसा बिल्कुल नहीं. मैं खुद कह रहा हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ. Relax जी करो भाई. These people actually found the original report and in that report, Indian men are way ahead than United States. Yeah, that was the list. अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया हमने. एकांत में रहो. जिस किसी ने भी ये रिपोर्ट लिखी है, पब्लिश करी है, वो अपनी बात कर रहा है. सही बात है जिगर भाई. मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी फेक न्यूज फैला रहे हैं. अरे हमारे यहाँ तो कितना फेमस है. क्या, किसकी सरकार है? लौड़ा का सरकार है. बिकॉज वी आर मॉनिटरिंग इट सो क्लोजली, वी कैन टेल यू दैट सोसाइटी इज चेंजिंग ड्रास्टिकली.
नो सीरियसली, शादियों में पहले गन फायरिंग होती थी जो कि बिल्कुल गलत चीज है, कभी नहीं करनी चाहिए। लड़के करते थे, पकड़े जाते थे, आजकल लड़कियां करती है। साला गर्दा उड़ा दिया। See, it's changing nowadays. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? And just look at the face of that boy. मैं माता जो इसमें आया। You know, we used to have street fights. लड़के एक दूसरे के कपड़े वपड़े फाड़ते थे और एक दूसरे को गाली देते थे। अब बिल्कुल बदल गया मामला। Society is changing nowadays. ये एक रोड रेज, इसके बाद दिल्ली में एक और रोड रेज का वीडियो वायरल हुआ है, वो उसी को पॉइंट आउट कर रही है। सुनो तो सही दीदी को। Seriously, men used to do that, now women are doing it. One more example. महिला ने कहा कि दो पति के होने की वजह से वो डिप्रेशन से निकली। मैं नहीं मानता। दीदी दो कर रही है और कह रही है मैं डिप्रेशन से बाहर आ रही हूँ। क्या बात है मोदी जी, बहुत ही बढ़िया। एंड these stand-up comedians, guys, let me make this thing clear to you. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कर सकता है तो ये नहीं कर सकती, ये कर सकती तो ये नहीं कर सकता, दोनों कर सकते हैं, that is equality. पर आप किस लेवल के जोक मार रहे हो? So I played badminton. लोग हंस भी रहे हैं और बहुत ट्रोल हो जाते हैं ये लोग बाद में. Because that was the only time I could publicly play with a cock. Play with a cock. क्या बात, ये बात है. और ये ट्रोल होके फिर फेमस हो जाते हैं. मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार. क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की. सोचने वाली बात है, जिस बाप ने पैदा किया है कॉमेडी के नाम पे अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हो यार. सीरियसली, क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की. एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कमिंग आउट. दिस स्टोरी इज फ्रॉम सूरत. यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे रेप का आरोप पति ने पत्नी पे लगाया है और फिर बाद में पता चला कि इसकी पहले भी शादी हुई, फिर उसने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया तो बच्चा भी किसी और का निकला. ये हुआ है, इतना बड़ा हादसा हो गया. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग वन, हैकिंग द अकाउंट. मतलब उसकी बीवी ने उसका अकाउंट हैक करके उससे डाउरी की यू नो डिमांड्स खुद ही डाल दी. वो बोला देखो जस्ट साहब कैसी बातें कर रहे हैं. एंड नाउ दिस न्यू रूल, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाई. इस बंदे का सोचो, मतलब ये क्या करेंगे, हुआ क्या. इट्स नॉट इक्वालिटी एट ऑल. आप कितना सोना रख सकते हो ये भी आपके जेंडर पर डिपेंड करता है. अ मैरिड वुमन कैन कीप 500 grams, unmarried 250 grams, and a male can only keep 100 grams. I mean seriously, where is the equality here, Modi ji? कहाँ इक्वालिटी, नहीं है. बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी. आई मीन सो मेनी स्टोरीज गाइज, एंड दीज कोर्ट वर्डिक्ट्स दैट आर सो डिप्रेसिंग, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट इट इज गोइंग ऑन. सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन, दीज टाइप ऑफ चेंजेस सोसाइटी इज फेसिंग, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. सो इसीलिए हम आपके लेकर आते हैं डेडिकेटेड सीरीज फॉर मेन. तो फिर क्या सोच रहे हो, ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए. फॉलो सब्सक्राइब, लव यू 3000. तो करना.